अमेरिका के लुइजियाना के बैटन रूज के एक नाइटक्लब में देर रात हुई गोलीबारी में 12 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे एक दिन पहले कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को आज पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा। बढ़ती हुई जनसंख्या, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, खराब लाइफस्टाइल और ग्लोबलाइजेशन जैसी स्थितियों के कारण भारत में कैंसर की जटिल बीमारी की सुनामी आने की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है कि भारत को मेडिकल फील्ड में जल्द ही काम शुरू कर देना चाहिए। कैंसर के टीके, डाटा और डिजिटल टेक्निक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एडवांस में भारत को कार्य करने की जरूरत है। 2020 की सालाना रैंकिंग में कैंसर के मामले में अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 6 दिन तक उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने और 27 जनवरी तक हल्की वर्षा व बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। अगले 24 घंटे में बादल और घने होने की संभावना है और पूरे प्रदेश में वर्षा हो सकती है। 20 जनवरी को सोने का दाम ऐतिहासिक उच्च स्तर 56,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर जा पहुंचा था, जो आज भी 56,787 रुपये पर है। चांदी के दामों में भी उछाल देखा जा रहा है, जो 68,673 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है। हिंदी में पारंपरिक लोक कथाओं को दर्शाने वाली ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। कन्नड़ में 20 करोड़ रुपए के बजट में बनी कांतारा को तेलुगु और हिंदी सहित अन्य भाषाओं में रिलीज किया गया। 14 अक्टूबर को यह फिल्म हिंदी में रिलीज हुई थी।